हेलो प्रोग्रामर्स, तो कैसा चल रहा है आपका कोर्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम एज एन आर्गुमेंट लैम्डा एक्सप्रेशन को हम लोग पास कर सकते हैं, राइट। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे एक लेमैन तरीके से पहले चीज़ों को देखते हैं। लेट्स से कि मान लो कि आपको दो नंबर को ऐड करना है, तो दो नंबर को ऐड करने के लिए आपको कैसे लिखते हो। लेट्स से कि यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक और यहाँ पे इंट में रिजल्ट रिटर्न करेंगे एडिशन, ठीक है। ये एक मैथड है हमारे पास। एंड यहाँ पे ओके इंट एक्स इंट वाई, ठीक है। अभी गाइस देखो, इसके अंदर अभी तो एक ही लाइन है, ठीक है। लेकिन मान लो कि कोई इम्प्लाई की इन्फॉर्मेशन आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। फर्दर उसमें कई सारे ऑपरेशन कैलकुलेट होने के बाद देन फर्दर एडिशन से कुछ आंसर और यू कैन से रिजल्ट रिटर्न हो रहा है, राइट। अभी तो एक ही लाइन है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए अलग मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लो एन नंबर ऑफ लाइन से कुछ कैलकुलेशन होने के बाद ये फाइनल एडिशन कुछ रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, राइट। और मेथड बनाने का मेन मकसद यही होता है कि हम लोग बार बार उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को अपने एप्लीकेशन में हर जगह से उसको यूज़ कर सके। रीयूजबिलिटी के पर्पज से हम लोग बेसिकली बनाते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे लेट्स से सिस आउट एंड एडिशन एडिशन 5, समथिंग कुछ भी दे देते हैं, राइट। और इसको राइट क्लिक किया, रन है एंड जावा एप्लीकेशन, तो यू कैन सी हियर 13 आ गया, राइट। ओके फाइन, तो ये बेसिक तरीका होता है। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं लैम्डा एक्सप्रेशन की, राइट। तो लैम्डा एक्सप्रेशन को एज एन आर्गुमेंट पास करना, मतलब कि गाइस यहाँ पे देखो आर्गुमेंट क्या है, 5 and 8, ठीक है। अब एज एन आर्गुमेंट मतलब कि पैरामीटर हम लैम्डा एक्सप्रेशन टाइप का हो और उसके अंदर लैम्डा एक्सप्रेशन का यू नो एज एन आर्गुमेंट यहाँ से पास करो। क्योंकि अभी तक क्या था कि जब जावा 8 से पहले का क्या था कि आप किसी मेथड को एज अ पैरामीटर पास नहीं कर सकते, एज एन आर्गुमेंट नहीं पास कर सकते। लेकिन फंक्शनल इंटरफेस की वजह से वो चीज़ अब अचीव की जा सकती है, राइट। चलिए उसको करके देखते हैं। एक नंबर बना, ओके यहाँ पे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, राइट। इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते, पहले तो इंटरफेस बनाएंगे। इंटरफेस जैसा कि पता है हम लोगों को लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करना है, तो बेसिकली हम लोगों को ऑपरेशन फंक्शनल इंटरफेस बनाना होगा। फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, जिसके अंदर एक मेथड अवेलेबल हो एब्स्ट्रैक्ट, ओके। और यहाँ पे इन, और लेट्स से कि मतलब मैंने इसका नाम रख दिया ओपीटी, ऑपरेशन करेगा, ठीक है, टू नंबर्स का। अभी गाइस यहाँ पे एक चीज़ देख रहे थे कि मतलब यहाँ पे जो मैंने एडिशन नाम का एक मेथड बनाया था, ठीक है, वो एडिशन मेथड सिर्फ एडिशन ही करेगा। अगर कल को मान लो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिफरेंट मेथड बनाना पड़ेगा। एंड इसी तरह से जितने नंबर ऑफ ऑपरेशन अलग अलग यू नो होते जाएंगे, उतने नंबर ऑफ मेथड आपको बार बार यू नो डिफाइन करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो गाइस क्या किया मैंने, इंट एक्स इंट वाई, राइट। सिंपल सा मेथड है, ठीक है, ऑपरेशन इंटरफेस है। अब गाइस यहाँ पे देखो क्या करना है कि मान लो कि मुझे एडिशन करना है सिंपली, तो सिस आउट किया मैंने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पब्लिक वॉइड स्टैटिक, यहाँ पे लिख देते हैं वॉइड रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट हम कर रहे हैं सीधे सीधे। एंड यहाँ पे ऑपरेशन ओके ओबीजे, ठीक है, समथिंग। अब गाइस इसको समझने की कोशिश करो, होगा क्या कि यहाँ पे इसी एक मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कैसे करेंगे गाइस, यहाँ पे ये एक हमारी ब्यूटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे बार बार गाइस कि ओबीजे कॉपी डॉट ओपीटी एंड यहाँ पे क्या करेंगे कि एक्स वाई पास कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा गाइस, ये एक मेथड ऐसा हो गया है कि अब इसी से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है गाइस। जब भी इसको कॉल करो रिजल्ट को, यहाँ से लेट्स से कि मान लो कि इमेजिन करो कि रिजल्ट को मैंने कॉल किया और यहाँ पे मैंने 5 किया एंड कॉमा 8 किया, राइट, ओके। एंड थर्ड पैरामीटर हमारा जाएगा क्या, लैम्डा एक्सप्रेशन एज एन आर्गुमेंट, और इसमें वो एक्चुअल परफॉर्म करेंगे जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो क्या करना है गाइस, सिंपली आपको यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन कॉमा एंड इस तरह से आपको बेसिकली क्या करना होगा कि टू वैल्यूज रहेंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे लेट्स से कि एक्स यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, एक्स वाई ज़रूरी नहीं, ए बी भी दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने कहा ए प्लस बी, राइट,
ओके तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो गाइस, ये क्या हो रहा है बेसिकली, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे पैरेंथेसिस में कर देते हैं ताकि प्रॉपर आए, ठीक है। ए प्लस बी, ओके, यहाँ पे ये टर्मिनेट किया। ओके अब गाइस इसको अगर मैं रन करता हूँ, ठीक है, ओके, यहाँ पे वैल्यू कुछ चेंज कर देते ताकि आप देख पाओ प्रॉपर, क्योंकि सेम रिजल्ट आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। रन एज एन जावा एप्लीकेशन, तो यू कैन सी हियर 58 आ चुका, राइट। अगर कल को मुझे बोला जाता कि नहीं सब्ट्रैक्ट करना है गाइस, तो बेसिकली आपको करना क्या, यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है, एंड इसको रन एज जावा एप्लीकेशन, सो 42। सो दिस इज़ अ ब्यूटी, मतलब कि आप समझ रहे हो ना कि ये एक मैथड, ऐसा मैथड हो गया जो जर्नलाइज मैथड है। अभी क्या है, आपको पहले क्या हो रहा था कि अगर जावा 8 के पहले की बात करें तो हमें क्या एडिशन के लिए एक अलग मैथड डिक्लेयर डिफाइन करना पड़ रहा था, करना पड़ता आई मीन, एंड सब्ट्रैक्ट के लिए अलग, डिवीजन के लिए अलग, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग। लेकिन इससे क्या होगा कि यहाँ पे ऑपरेशन आप बता दोगे, क्योंकि ऑपरेशन किसकी मदद से हम लोग डिफाइन करते रहे, लैम्डा एक्सप्रेशन की मदद से। सो एज एन आर्गूमेंट हम लैम्डा एक्सप्रेशन भेज देंगे, ठीक है, पैरामीटर में, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी, और यहाँ पे इस तरह से कॉल कर देंगे और यू नो कैलकुलेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको ये बेसिक यू नो फ्लो समझ में आ रहा है। अगर फ्लो नहीं समझ में आ रहा है तो आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है लैम्डा एक्सप्रेशन वाली, इस वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार रन करके दिखा देता हूँ और एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखो 42, मतलब कि इस ओके मल्टीप्लाई करने के बाद 42 कैसे आएगा, जस्ट मिनट, सेव नहीं किया होगा मैंने, ठीक है, 400, राइट। अब गाइस ये कैसे वर्क कर रहा है, ये सिंपल है, सिंपल ऐसे वर्क कर रहा है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो सेम ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पे इनडायरेक्टली जा रहा है। कैसे हो रहा है कि मतलब कि जैसे ऑपरेशन नाम का ओबीजे क्रिएट हुआ, इसके अंदर आपने ये एक्सप्रेशन ऐसे असाइन किया है, ठीक है, और ये ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म इसके अंदर असाइन हुआ है, तो मतलब कि ये यहाँ पे गया, इसमें असाइन हो गया ओबीजे में, ठीक है। ओबीजे में असाइन होने के बाद फिर क्या किया है, यहाँ पे ओबीजे डॉट ये जो ओपीटी यहाँ पे है, इस वाले को आपने कॉल किया है, ठीक है, ओपीटी, और इसके अंदर वैल्यूस आपने जो यहाँ पे भेजी है 50 और 8, तो मतलब कि 50, 8, राइट। यहाँ पे कुछ चेंज करके दिखा देते हैं, लाइक 5 कर देते हैं, एंड इसको मैंने कंट्रोल एस किया, एंड अभी यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा, तो आपको यहाँ पे सिस आउट करना होगा। तो यही हो रहा है गाइस कि बेसिकली क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज़ जो है बेसिकली ये चीज़ बन रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक्स यहाँ पे आ गया, मतलब कि x यहाँ पे आ गया, y यहाँ पे आ गया, और फाइनली सिस आउट कर दिया। तो सिस आउट अगर यहाँ पे भी करके दिखा देते हैं तो आपको दिख जाएगा आउटपुट। तो इनडायरेक्टली कॉल हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता लग रहा होगा बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज बहुत ही सिंपल ये कोड है गाइस। और इसको मैंने रन किया तो गाइस यू कैन सी हियर 40 आ गया। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही, आपको बेसिक आइडिया लगा होगा कि एज एन आर्गूमेंट किस तरह से लैम्डा एक्सप्रेशन को हम लोग पास करते हैं, और ये जानना जरूरी था क्योंकि आगे हम लोग प्रेडिकेट और ये सारी चीज़ें, मतलब कि जो स्ट्रीम है, जो फंक्शनल इंटरफेस का जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल जो प्री डिफाइंड है, उनको हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो उनको समझने के लिए ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आज क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक आइडिया लग चुका होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।